तो राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जहां डॉक्टर एल मुर्गन, उमेश नाथ महाराज का नाम भी तय है। साथ ही आपको बता दें कि माया नारोलिया, बंशीलाल गुर्जर प्रत्याशी होंगे। बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, साथ ही मध्य प्रदेश के 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। तो देखिए, अभी हाल ही में जब राज्यसभा चुनाव होना है, तो मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटें हैं, जहां पर देख लिया जाए तो 4 सीटें बीजेपी के पास में और केवल 1 ऐसी सीट है जो कि कांग्रेस के पास में, और उसी के तहत अब 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी की ओर से डॉक्टर एल मुर्गन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और साथ ही बंशीलाल गुर्जर, ये 4 प्रत्याशी है जो कि राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो देखिए, बेहद ही खास है क्योंकि राज्यसभा चुनाव और उसके बाद में लोकसभा चुनाव, तो ऐसे में बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी ज़्यादातर अपनी स्ट्रेटेजी के लिए ही जानी जाती है। और अब ऐसे में ये जो 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बीजेपी की ओर से की गई है, उसको लेकर क्या कुछ विपक्ष की प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और मध्य प्रदेश के ये 4 प्रत्याशी का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है, जहाँ पर 4 नाम भी शामिल, उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। डॉक्टर एल मुर्गन, उमेश नाथ महाराज और उसके साथ ही माया नारोलिया और बंशीलाल गुर्जर, ये 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बीजेपी की ओर से की जा चुकी है। चलिए, इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानू जुड़ गई है। शबाना, 4 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बीजेपी की ओर से हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अभी से कुछ देर पहले जो है मध्य प्रदेश में 4 राज्यसभा के नाम जो बीजेपी ने जारी करते हुए, पहला नाम जो है डॉक्टर एल मुर्गन का है, दूसरा श्री उमेश नाथ महाराज जी का है और तीसरा पार्टी ने है बंसीलाल गुर्जर पर भरोसा जताया है। इसके अलावा एक नाम ओडिशा से भी यहाँ पर जारी किया गया, अश्विनी वैष्णव का, के केंद्रीय मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, उनको ओडिशा से मौका दिया गया। इसके अलावा पार्टी ने जो है सबसे चौंकाने वाला जो नाम है माया नरोलिया पर पार्टी ने भरोसा जताया, यहाँ पर राज्यसभा के लिए सूची जारी कर दी। फिलहाल अभी कांग्रेस की राज्यसभा की सूची अभी आना बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले की तरह यहाँ पर पहले ही तैयारियां कर ली और अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी हमेशा से चौंकाने वाले फैसले करती है और यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से ये जो 4 नाम सामने आए हैं, उसमें से सबसे बड़ी बात है कि पार्टी ने यहाँ पर फिर से एक बार महिला पे भरोसा जताया है। 4 में से 1 नाम महिला का भी है यहाँ पर देखने को मिला। जी बिल्कुल, तो देखा जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें पुराने सदस्यों की, तो धर्मेंद्र प्रधान, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, इनका नाम शामिल नहीं है, इसे किस प्रकार से देख रही है आप, और उनमें किस प्रकार की क्या कोई नाराजगी देखने को मिल रही है या नहीं, या फिर बीजेपी के इस फैसले की समर्थन करते हैं सभी उम्मीदवार? आपने पहले भी देखा होगा बीजेपी में हमेशा से अनुशासन से काम होता है, पार्टी जो फैसला लेती है वो सभी का फैसला होता है, सर्वमान फैसला होता है, यहाँ पर पार्टी हमेशा ये कहते हुए नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है कि पुराने जो नाम थे उनको हटाकर इस बार नए नामों की घोषणा हुई है, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में बगावत तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर काम अनुशासन से होता है और सबकी सहमति से काम होता है। ये जो 4 नाम सामने आए हैं, पहले इस पर विचार हुआ, विमर्श हुआ, जिसके बाद इन नामों पर मुहर लगा है, तो कहीं नाराजगी की तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहे धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लीजिए या बाकी जो राज्यसभा के सदस्य रहे उनकी बात कर लीजिए, तो कहीं नाराजगी का सवाल ही नहीं पैदा होता। पार्टी हमेशा नए कैंडिडेट को मौका देती है और ऐसा कैंडिडेट उतारती है जो जनता के हित में काम करे, और यहाँ पर आपने ये 4 नाम जो देखे होंगे वो लगातार जनता के बीच में जुड़े रहे। और भारतीय जनता पार्टी का एक रूल है, एक नियम है कि हमेशा नए चेहरे को मौका देना, तो यहाँ पर वो करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। जी बिल्कुल, और ये फैसला किस प्रकार से कारगर साबित होता है बीजेपी के लिए, ये देखने वाली बात है। लेकिन शबाना, अगर हम बात कर ले तो अब तक कांग्रेस का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 1 सीट है कांग्रेस की और उसे लेकर 15 फरवरी यानी कि कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर नहीं किया है, तो कांग्रेस का क्या कहना है कि और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, कमलनाथ से विधानसभा में इस बारे में पूछा गया था, तो उनका साफ तौर पर कहना था पार्टी का फैसला ही हमारा फैसला होगा, जो भी पार्टी तय करेगी वो फैसला हमारा होगा। हालांकि अब तक जो है कल शाम तक सोनिया गांधी का नाम मध्य प्रदेश से सामने आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको राजस्थान से मौका मिला, राजस्थान से वो राज्यसभा की
जो है उम्मीदवार घोषित हुई हैं। तो अब मध्य प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं जो है अजय सिंह, राहुल, अरुण यादव और जो है कमलनाथ का नाम सामने चल रहा। कन्वीनर पार्टी में भी सभी विधायक जो थे छात्र उनसे खाली कागज में दस्तखत करवाया गया। अभी दस्तखत किस लिए करवाएगा फिलहाल ये तो नहीं पता चला है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पार्टी सहमति से सारे काम करवाना चाह रही है। और यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो कमलनाथ का ही नाम है। अरुण यादव का भी नाम चर्चा में है, लेकिन पार्टी जिससे मुहर लगाएगी वही नाम आगे आ जाएगा। अभी फिलहाल हाल फिलहाल ही कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से जो है अफवाहों का बाजार तेज हो गया था। लेकिन अरुण यादव कहीं ना कहीं पार्टी के दिग्गज नेता, तो इसलिए पार्टी सस्पेंस में है, सोच में है और ये सोचने की कोशिश कर रही है कि किसको मौका दिया जाए, क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई बड़े पद पे रहे, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पीसीसी चीफ अध्यक्ष भी रहे और पार्टी के तमाम बड़े जो पद थे उनके पास रहे। ऐसे में अरुण यादव भी यहाँ पे पार्टी मौका दे सकती, हालांकि वो भी पूर्व में पीसीसी चीफ रहे, पार्टी से विधायक रहे और उनके भाई भी विधायक है। तो अब पार्टी देखेगी कौन सा दिग्गज नेता जो है अच्छे से अपनी रणनीति तैयार कर सकता है, उसको यहाँ पर मौका दिया जाएगा, क्योंकि मात्र 66 विधायक है यहाँ पर कांग्रेस के। ऐसे में सारी चीजों पर सोच समझ के विचार करके यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मौका देगी अपने। देखने वाली बात होगी शबाना कि कांग्रेस की ओर से किसका नाम सामने आता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में कांग्रेस की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होना है, 15 फरवरी यानी कि कल नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। इसके तहत अगर बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी ने तो 4 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन अब सभी को इंतजार है कांग्रेस का कि आखिर कांग्रेस की ओर से कौन सा प्रत्याशी खड़ा होगा चुनाव में, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।